दोस्तों आप कैसे ईमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो इस वीडियो में पूरा बताएंगे। जैसे कि दोस्तों सबको पता है 2024 आ गया है, 2024 में आपको न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों पहले का जो होता था, पहले दूसरा तरीका से ईमेल आईडी को डिलीट कर सकता था, लेकिन अभी जो हुआ अभी दूसरा तरीका से डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आप कैसे 2024 में ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देर में वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन। दोस्तों ईमेल आईडी डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद कोने में आपका जो ईमेल आईडी है उसमें उसका लोगो दिख जाएगा। सिंपली उसमें क्लिक करके आप जिस ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हो उस ईमेल आईडी को पहले सिलेक्ट करके गूगल अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे ही दोस्तों आप गूगल अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ऐसा एक इंटरफेस खुल के चला आएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको जो करना है वो ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डिलीट योर गूगल अकाउंट। सिंपली दोस्तों उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उसमें क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ऐसा एक इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ऐसा एक इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर दो टिक मार्क दिखाई देगा, दो बॉक्स को आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करके आपको डिलीट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों मेरा जो ईमेल आईडी है वो डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप आसानी से ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।